बरेली के पर्व कपूर को इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत जापान जाने के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश से 9 छात्र छात्राओं को इस अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसमें पर्व भी शामिल हैं। जापान सरकार के साकुरा साइंस हाई स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत छात्रों का जापान जाने के लिए चयन किया जाता है। बरेली नॉर्थ सिटी निवासी पर्व कपूर के प्रोजेक्ट को इंस्पायर अवार्ड के लिए भेजा गया था। पर्व ने बुजुर्गों के लिए डिजिटल अलार्मिंग वॉच सिस्टम तैयार करने के साथ साथ वर्चुअल लैब और रोबोटिक पर कई किताबें भी लिखी हैं। पर्व कपूर ने बुजुर्गों के लिए एक ऐसी घड़ी बनाई है जिसका प्रयोग बुजुर्ग मुसीबत में आने पर अपने परिवार के लोगों को SOS मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं। उन्हें बस इस घड़ी को प्रेस करना होगा और मैसेज उनके परिजनों के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। मैम, मैंने ये डिजिटल अलार्मिंग सिक्योरिटी बॉक्स बनाई है जो कि ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड वुमन के लिए है। एंड ये बॉक्स जब भी कोई जगह मुसीबत में है या उन्हें किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो वो सिंपली इस बॉक्स को प्रेस करके मैसेज जनरेट कर सकते हैं जो कि उनके नियर बाय वन के मोबाइल फोन पर पहुंचता है एंड एक लाइव लोकेशन के साथ। तो मैंने इस बॉक्स को वाईफाई मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट किया है एंड उस वाईफाई मॉड्यूल को मैंने ब्लिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट किया है। तो ब्लिंक सॉफ्टवेयर बेसिकली एक मैसेज प्रदर्शित करता है एंड लाइव लोकेशन शो करने में मदद करता है ओवर मोबाइल फोन। एंड इस बॉक्स को जब भी हम मतलब पहले ये बहुत कम रेंज के लिए थी लेकिन इस समय ये वाईफाई से कनेक्ट होने की वजह से ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसके नेटवर्क बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी कम उम्र में बब ने इतनी सारी मेहनत कर रहा है, अवार्ड मिला, अब वो अपनी वर्चुअल लैब उसने करी है, बच्चों के लिए करिकुलम भी डिजाइन कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है बच्चा। काफी अच्छा लग रहा है, अब जापान जा रहा है।